स्वामी जी से मैं ये प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आपने कल के अपने प्रवचन में अव्यभिचारिणी भक्ति के बारे में कुछ कहा था, उसका भाव क्या है? कि गीता के 13वें या 14वें अध्याय में ये शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ, एक एक बार अव्यभिचारिणी जिसे कहते हैं कि पतिव्रता साधन पुरुषा से परापार्थ भक्ता लभे तो अनन्या अनन्य पराप्रेम लक्षण, जैसे पतिव्रता क्या करती है, देवर से भी संबंध अच्छे रहेंगे, जेठ से भी संबंध रहेंगे, ससुर का भी सम्मान करेगी, पड़ोसियों से भी अच्छे संबंध रखेगी, लेकिन अपने हृदय का वास्तविक प्रेम केवल पति के लिए रखती है। उसी तरह से हम अपना वास्तविक प्रेम जो गीता ने उत्तम पुरुष जिसको कहा है कि उत्तम पुरुष ही एकमात्र परमात्मा है, जो क्षर अक्षर से परे उत्तम पुरुष है, जिसको कहते हैं कि अस्मात् क्षरात् अतीतो हम अक्षरात् पिचे उत्तमे वेदे च लोकेऽस्मिन् प्रार्थितः पुरुषोत्तमः। तो जो पुरुषोत्तम है क्षर अक्षर से परे उत्तम पुरुष, और जिसके लिए कहते हैं कि पुरुष से परे पार्थ भक्ता लभ्य तो अनन्या अनन्य परा प्रेम, जी उसके बराबर प्रेम और किसी के प्रति न हो। तो जब ये अनन्य प्रेम होता है जिसे पतिव्रता करती है और उस नियम का उल्लंघन कोई ना करे, इसलिए श्री कृष्ण ने कहा है कि सत भक्ति हो गया ना अव्यभिचारिणी, अर्थात अव्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ होता है जिसमें पतिव्रता साधन हो, एक परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी की भक्ति न की जाए। जो भी हमारे आदर्श पुरुष हैं, जैसे मान लिया जाए कि जब ये सृष्टि नहीं थी, ये पृथ्वी भी नहीं थी, अयोध्या भी नहीं थी, कैलाश भी नहीं था, मानसरोवर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो जो लीला वाले तन हमारे यहाँ प्रकट नहीं हुए थे उसके पहले तो परमात्मा था। हम इनके गुणों का सम्मान करें, भगवान राम के बराबर इस सृष्टि में कोई आदर्श धर्म का पालन करने वाला नहीं हुआ, योगेश्वर श्री कृष्ण के द्वारा जैसा लीला पुरुषोत्तम नहीं हुआ, योगिराज शिव के बराबर कोई योगी नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य है कि हम इनको हम भगवान मानते हैं। भगवान का अर्थ क्या होता है, जिसमें छह ऐश्वर्य हों, षट ऐश्वर्य ज्ञान विवेक वैराग्य ऐश्वर्यशील, ये जो विभिन्न दिव्य गुण है उनको हम भगवान कहते हैं। देव किसको कहते हैं, जिसमें दिव्यता हो, तो देवता अलग है, भगवान अलग है, लेकिन उत्तम पुरुष परमात्मा अलग है, परमात्मा स्वरूप पर है। जैसे हम बुद्ध के आगे भगवान लगा सकते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आगे भगवान लगाएं, व्यास जी के आगे भगवान लगाएं, क्योंकि इनमें दिव्य गुण छह ऐश्वर्य गुण है। लेकिन जो परमात्मा है सबका आराध्य है, अनंत सृष्टियों का, हमारी गैलेक्सी में 13 लाख पृथ्वियां तो हमारी इस छोटी सी गैलेक्सी में, एक गैलेक्सी में, और जाने कितने गैलेक्सियां हैं, करोड़ों गैलेक्सियां हैं, मनुष्य की बुद्धि आज तक पार नहीं पाई। तो एक पृथ्वी पर हमारे भारतवर्ष में इतने अवतार हुए हैं, तो जो अनंत ब्रह्मांडों का जो स्वामी परमात्मा है, समस्या है कि हम सर्वशक्तिमान अनंत सत्ता वाले उस परमात्मा को एक छोटे से रूप में देख लेते हैं, तो यही हमसे भूल हो जाती है। हम महापुरुषों का सम्मान करें, उनके गुणों की पूजा करें, चरित्र की पूजा करें, सबका सम्मान करें, लेकिन जहाँ भक्ति की बात होती है, क्योंकि भगवान राम भी उन्हीं का ध्यान करते हैं, भगवान शिव भी ध्यान अवस्थित है, योगेश्वर श्री कृष्ण भी ध्यान करते हैं, ब्रह्मा जी भी ध्यान करते हैं, जो भी हमारे आदर्श पुरुष हैं, हमारे सृष्टि के प्रारंभिक पुरुष हैं, इनके हम गुणों की पूजा करें और जिस मार्ग पर चले हम भी उन्हीं मार्ग पर चले। तो इस योगेश्वर श्री कृष्ण का यही कथन है, इसलिए अर्जुन से कहते हैं कि तमेव शरणं गच्छ सर्वभूतेन, जो ये कहते हैं कि सर्वान् धर्मान् प्रत्यज्य मामेकं शरणं प्रपद्य, उसका आशय यह है कि हे अर्जुन, मैंने तुम्हें ज्ञान योग दिया, भक्ति योग दिया, सांख्य योग दिया, कर्म योग दिया, सब कुछ दिया, लेकिन तुम्हारा यदि चित्त विचलित हो रहा है तो तुम समर्पण की भाषा सीखो, क्योंकि समाधि सिद्धि ईश्वर परिधान है। यदि श्री कृष्ण के वचनों पर श्रद्धा हो जाए, अर्जुन को वो कह रहे हैं कि तुम मेरे वचनों पर श्रद्धा करो तो तुम्हें उस परम सत्य की प्राप्ति होगी, लेकिन अंत में उनका ये कहते हैं कि तमेव शरणं गच्छ सर्वभूतेन भाव, तू उस परमात्मा की शरण जाओ। वो परमात्मा कौन है, जो आदित्य वर्ण है, तमसः प्रस्थात है, जो अक्षर अक्षर से परे उत्तम पुरुष अक्षर अतीत है। इसलिए उन्होंने बार बार कहा कि अनन्यश्चन्तो माम ये जनाः परुपास्यते सामयोगक्षेम नित्यं भावम्। कृष्ण के अंदर वो अलौकिक परब्रह्म की शक्ति बैठ कर बोल रही थी, क्योंकि महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो जाता है, अर्जुन कहते हैं कि प्रभु दोनों सेनाओं के मध्य में मैं आपने वो ज्ञान दिया था, जब शंख बज चुके थे आपने 18 अध्याय गीता सुना दी, उसको दोबारा कहिए, तो कहते हैं नच सक्यम पुनः भक्तम अशिष्यण धनंजय, हे अर्जुन मैं उस ज्ञान को दोबारा नहीं सुना सकता, क्योंकि युग युक्त तन्मय ब्राह्मी अवस्था में मैंने उसको ज्ञान को कहा था। तो जिस तरह से ब्रह्मविदो ब्रह्मयो भवति है, उसी तरह से ब्राह्मी अवस्था में योगेश्वर श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया था, इसलिए जिस ब्रह्म की शक्ति ने वेदों का अवतरण किया, उसी शक्ति ने योगेश्वर श्री कृष्ण के हृदय में बैठकर उस ज्ञान को कहा था। इसलिए
मेरे कहने का मतलब हम एक स्थान परमात्मा की उपासना करें तो संप्रदायवाद नहीं फैलेगा। एक हिंदू हिंदू का गला काटने के लिए तैयार होता है। अब देखिए जाति व्यवस्था की विकृति क्या है, एक वो मर रहा है तो सोचते हमें क्या लेने देना, वो हो रहा है। हिंदू समाज जातिवाद में और संप्रदाय में टुकड़े टुकड़े हो रहा है, ये देश के लिए बहुत घातक है। तो अब ये विचारी भक्ति जिस दिन सभी मानेंगे कि हम परमात्मा सारे अनंत ब्रह्मांडों का केवल एक है, समस्त सृष्टि का परमात्मा एक है, उस दिन हिंदू समाज में संप्रदाय के नाम पर झगड़े नहीं होंगे। कोई देवी को मानने वाला ये नहीं कहेगा कि ब्रह्मा विष्णु शिव छोटे हैं, या उनको मानने वाला ये नहीं कहेगा कि वो छोटे हैं। आपस में जो मन मुटाव है, जैसे लिंग पुराण को देखिए वो क्या कहेंगे, विष्णु के लिए कितने कटु शब्द हैं, ये पद्म पुराण और विष्णु पुराण में शिव के लिए कटु शब्द हैं, देवी भागवत में ब्रह्मा विष्णु शिव के लिए कटु शब्द हैं। ये जो विकृतियां हैं जिसमें सभी हिंदू आपस में लड़ता है कि हमारा इष्ट बड़ा तुम्हारा इष्ट छोटा, हमारा पंथ बड़ा तुम्हारा पंथ छोटा, हमारी जाति बड़ी, ये देश के लिए बहुत घातक है। अब ये विचारणी भक्ति का तत्पर्य जिससे पतिव्रता का प्रेम केवल एक के लिए होता है, उसी तरह से हमारी आत्मा का प्रेम केवल सच्चिदानंद परमात्मा के लिए। इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को विवाद वाली बात नहीं।